ओम शांति। आज 28/5/1970 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की बाबा की मुरली का हेडिंग आया है कि हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। हम सब चाहते हैं पुरुषार्थ में गति आए, पुरुषार्थ तीव्र हो। बाबा ने आज वह समाधान हम बच्चों को दिया है। बाबा के ही महावाक्यों में सुनते हैं, हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। कौन सा समर्पण है? समर्पण समारोह तो नहीं है ना? इस समारोह का नाम क्या है? ये है इन्हों का अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। फैसला किया नहीं है, करने का है। अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर एंगेजमेंट, उसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। इस मुरली में बाबा ने कहा है कि ये कन्याओं के भट्टी शुरू हुई है। तो जब कन्याओं की भट्टी शुरू हो, कभी कभी ये मुरलियाँ जो हैं भट्टी के शुरू में हैं और कोई मुरलियाँ भट्टी की समाप्ति पर हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की भट्टियाँ बाबा के आगे हो रही हैं। तो कन्याएं भट्टी करने आई हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि ये वो समारोह तो है नहीं जो संपन्नता संपूर्णता का समारोह है। तो आई हैं किस लिए आई हैं? तो बाबा ने कहा अपनी ज़िंदगी का फैसला करने के लिए, क्योंकि कन्याओं के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक तो लौकिक संसारिक दुनिया में जाएं और एक इस अलौकिक जीवन को अपनाएं। तो जो कन्या यहाँ आई हैं तो अलौकिक जीवन को अपनाने की हिम्मत रख के आई हैं और उसी के लिए भट्टी करने आई हैं। तो बाबा ने कहा अभी पहला स्टेप क्या है, पहले एग्रीमेंट होगा कि भी देखेंगे अपने संस्कारों को, देखेंगे समझेंगे हम इस मार्ग में हिम्मत रखी है, हम इसमें पूरी तरह चलेंगे, क्या क्या करना होगा। बाबा कहते फिर एंगेजमेंट होगी। दुनिया के अंदर भी लौकिक में ऐसे ही होता है। तो फिर एंगेजमेंट होगी, फिर एंगेजमेंट के बाद जब सब कुछ अन्य प्रथाएं कंप्लीट हो जाएंगी तब जाके फिर बाबा कहता है संपन्नता का समारोह मनाएंगे। संपूर्णता हाँ, का। संपूर्णता। अभी यहाँ पहली स्टेज पर आई हो, अभी एग्रीमेंट करनी है, इसलिए सभी आए हैं ना? जीवन का फैसला करने आई हो वह नहीं, बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे हैं। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने के लिए आती हैं। साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। अब इसमें देखो बाबा ने बताया है जो हम सभी पर लागू होता है कि हिम्मत रख के इस रास्ते पे कदम बढ़ाते हैं आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो हिम्मत रख के इस मार्ग को अपनाता है उसके आगे ही परीक्षाएं शुरू होंगी। जो व्यक्ति स्कूल में दाखिल ही नहीं हुआ उसकी ना पढ़ाई है ना परीक्षाएं हैं। तो कई लोग ऐसे भी समझते हैं कि जो ही हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं तब से हमारे आगे बहुत परीक्षाएं आ रही हैं। जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने थे हमें कोई परीक्षा नहीं आती थी। तो बाबा इसका उत्तर कुमारियों की भट्टी में दे रहे हैं कि तुम हिम्मत करके आई हो, हिम्मत किए बगैर तो कोई आ ही नहीं सकता। हिम्मत रखता है ना व्यक्ति। अब बाबा कहते हिम्मत तो रख ली है, जब हिम्मत रखी उसके बाद क्या होगा? तो हिम्मत करने वाले को सामना करना पड़ता है सिचुएशंस का। तो बाबा कहते हैं माया दुनिया वालों को नहीं आएगी, वो तो ऑलरेडी माया नगरी में है, उनको तो पता ही नहीं कि माया क्या चीज़ होती है। जब आप ये मान समझते हैं कि माया मेरा शत्रु है, यही मेरे दुखों का कारण है, तो तब आप सामना करते हैं,
इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत के बाद आपका अनेक बातों का सामना शुरू हो जाएगा। नेचुरल है, जब चैलेंज करते हैं तभी ओपोनेंट आता है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। ये सभी सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। तो ये हाई जंप लगाने वालों का ग्रुप है। जो समझते हैं हम हाई जंप देने वाले हैं वो हाथ उठाए। ये तो सभी साहस करने वाले में नंबर वन है। इनों को बताना हाई जंप किसको कहा जाता है, उसका पहला लक्षण कौन सा है। अब आप देखिए कि बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि परीक्षाएं आएंगी। अब परीक्षाओं को पास करने का क्या तरीका है? तो एक होता है कि कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, आप उसके साथ टकराएं या उसका सामना करें। तो बाबा कहते हैं सामना करने में तो दूसरी साइड भी कुछ करेगी। अगर आप हाई जंप दे के उसको क्रॉस कर जाएंगे तो आपकी परीक्षा भी पास हो जाएगी और आपको उसके लिए किसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बाबा ने ये युक्ति बता रहे हैं कि सामने से कोई आए उसको क्रॉस करने का क्या तरीका है, हाई जंप दे के क्रॉस कर जाओ, ऊपर से ही निकल जाओ। और इसका बाबा ने एक बात कही है कि अभ्यास होना चाहिए। ये नेचुरली आपको ये व्यक्ति अचानक हाई जंप थोड़ी लगा सकता है, नहीं। तो प्रैक्टिस करते करते हाई जंप लगाएगा, जितनी बड़ी परीक्षा आएगी उतने ऊंचा जंप लगा के उसको क्रॉस कर जाएगा, मतलब उसको उससे लड़ना नहीं पड़ेगा। तो बाबा ने बताया हुआ ना, जो क्षत्रिय लक्षणों वाले होते हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं, लड़के विजय पाते हैं, और जो सूर्यवंशी संस्कार वाले होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, वो सीधा ही उसको क्रॉस कर जाते हैं। तब बाबा ने बताया हुआ है कि क्षत्रिय के हाथ में तीर कमान दिया गया है युद्ध करने का, और सूर्यवंशी के हाथ में बंसी दी गई है, मुरली दी गई है, वो सहज ही पार कर जाते हैं हंसते हंसते। तो जो पहला लक्षण बाबा बता रहे हैं हाई जंप लगाने वालों का, वो है उनको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। एक है अंदर अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर का हल्कापन क्या है? बाहर में सभी के कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संबंध संपर्क में आना होता है। तो अंदर भी हल्कापन, बाहर भी हल्कापन। हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। देखिए बाबा ने हाई जंप के लिए क्वालिफिकेशन क्या बताई है, खेल के अंदर भी जो हाई जंप करते हैं एक तो अभ्यास करते हैं, अचानक तो नहीं हो सकता, लेकिन अभ्यास करने के लिए पहले उनको हल्कापन चाहिए। कोई बहुत भारी व्यक्ति जो होगा, ओवरवेट होगा, वो तो हाई जंप कर ही नहीं सकेगा। इसलिए बाबा कहता है कि जैसे फिजिकली हल्का हो करके हाई जंप किया जाता है, फिर उसका अभ्यास किया जाता है, ये आध्यात्मिक हल्कापन है। तो हल्केपन में भी बाबा ने दो बातें बताई हैं, एक तो अंदर का हल्कापन, अर्थात आत्मा जो है वो शरीर से डिटैच होकर, उसकी सारी डिटेल बाबा बाद में बताएंगे, अभी बाबा ने बाहर के हल्केपन का अर्थ बताया कि जब आपके आगे क्या परिस्थितियाँ आएंगी, आपको अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में आना पड़ेगा। अब अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जो बातें उठती हैं, बाबा कहते हैं उसके दो तरीके हैं, एक तो आप उसकी बात में आकर उसकी बात का आर्गुमेंट में करो, उसको जीतने की कोशिश करो, अर्थात युद्ध करो। दूसरा है कि उसको इग्नोर करके उसके सार को जान करके हाई जंप कर जाओ, उसमें ज़्यादा वाद विवाद में पड़ो नहीं, संबंधों में तलखी पैदा ना करो, किसी प्रकार का टकराव ना आए, जंप कर जाओ। तो ये है बाहर का हाई जंप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा लक्ष्य होता है तो छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं है। इसमें बाबा का कम्युनिकेशन का भी इशारा है कि बाहर का हल्कापन अर्थात हर एक के साथ हिल मिल सके, अपनी बात कह सके, उनकी बात ले सके,
यानी अटके नहीं, रुके नहीं, भटके नहीं, किसी प्रकार का टकराव नहीं पैदा करें, तभी कम्युनिकेशन हारमोनियस होगा ना, दूसरे आपके साथ स्मूथ होंगे, बल्कि वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दे देंगे। वरना आप किसी से क्लैश करोगे तो आपके रास्ते में वो रुकावट बन जाए, फिर हम कहते हैं कि नहीं देखो मेरी प्रगति में ये व्यक्ति विघ्न डाल रहा। तो उससे पहले ही बाबा बता रहे हैं ऐसी युक्ति करो कि आपको विघ्न ना बन के वो सहयोगी बन जाए। हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना जो कहाँ भी जाए तो हिल मिल जाए। क्योंकि जब ये कन्या ट्रेनिंग ले रही हैं, बाबा टीचर्स को कह रहे हैं जिन्होंने इनको ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग लेने के बाद इनको कहीं ना कहीं भेजा जाएगा, तो अन्य अन्य परिस्थितियों में भेजा जाएगा। जैसे कन्या भी ससुराल जाती है तो दो प्रकार की परिस्थिति आती है, एक तो बड़ी समझदार होती है, वो हर एक से घुल मिल जाती है, ससुराल में तो सब नए लोग होते हैं ना, और उसको सब प्यार करने लग जाते हैं, सहयोग देने लग जाते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं। और अगर कोई कन्या ऐसा ना कर पाए, मान लो यही सोचती रहे कि मेरे पेरेंट्स का घर अच्छा था, वहाँ अच्छा था, तो उसका व्यवहार उसका इस तरह हो जाए तो उसके लिए प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो बाबा बता रहे हैं कि जब आपको सेवा स्थानों पर भेजा जाएगा, कहीं भी भेजा जाएगा, वहाँ घुल मिल जाएं, और घुल मिल जाने का अर्थ ही है कि हल्के होंगे तो घुल मिल जाएंगे। इतना साहस है, अगर इतनी सभी कुमारियां समर्पण हो जाएं तो क्या हो जाएगा। इस भट्टी से ऐसा होकर निकलना है जो जैसा भी कोई हो, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी का सामना कर सके, क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है, ना कि खुद समस्या बन जाना है। कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं, कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। ऐसी जगह चले जाएं, वहाँ जाके अनेक प्रकार के विघ्न आए, परीक्षाओं को पार ना कर सके तो खुद ही प्रॉब्लम बन जाएंगे, विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्न स्वरूप बन जाएंगे। न खुद समस्या बन जाना है, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाला बनना है। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? कर्म करने के पहले नाम रखते हैं ना, इसलिए कि जैसा नाम वैसा काम करके दिखाएंगे। इतने उम्मीदवार हो ना, कहते हैं ना, बड़े ते बड़े, बड़े तो बड़े, छोटे बाप समान समान अल्लाह। हाँ। ये ग्रुप भी बहुत लाडला है, कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ समान अल्लाह, तो छोटे कमाल करके दिखा सकते हैं। साहस के कारण बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं शूरवीर ग्रुप। देखिए शूरवीर ग्रुप, यानी जैसा नाम रखा जाता है व्यक्ति उसके अनुसार कर्म करता है कि नहीं करता। तो बाबा ने उम्मीदें रख करके इनको नाम दिया शूरवीर ग्रुप। जैसा नाम वैसा काम हो जाता है ना, किसी को कह दो तुम राजपूत हो तो जो ही उसको राजपूत का ख्याल आता है, उसके अंदर बहादुरी का संस्कार आ जाता है कि राजपूत पीठ कभी नहीं दिखाएगा, विजयी होकर ही आएगा, आगे ही बढ़ेगा। तो बाबा ने नाम ही ऐसा दिया शूरवीर। जैसा नाम है वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना। कब कायर नहीं बनना, कमजोरी नहीं दिखाना। काली का पूजन देखा है? जैसे वो काली दल है ना, वैसे सारे ग्रुप को फिर काली दल बनना है। एक एक काली रूप जब बनेगी तब समस्याओं का सामना कर सकेगी। विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। शीतला भी किस रूप में बनना है वो अर्थ भी तो समझती हो। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि जैसे सेना होती है तो दुनिया की सेना में भी कौन एंट्री लेता है, रिक्रूट को करता है, जो बहादुर होता है। कमज़ोर दिल वाला तो फौज में नहीं जाता। इसलिए बाबा कहते तुमने हिम्मत रखी है, अब तुम अध्यात्मिक इस नॉन वायलेंट स्पिरिचुअल आर्मी में आई हो। अब बाबा कहते जब आर्मी में आ गई हो
तो फिर तुमको कौन सा रूप धारण करना है? तो शिव शक्ति सेना है ना, तो शक्तियों के दो रूप दिखाए जाते हैं, एक तो शीतला देवी दिखाई जाती है और एक काली माँ दिखाई जाती है। तो काली माँ क्या करते, असुर श्रृंगार करती है और बहुत निर्भय निडर होती है। तो बाबा कहते हैं विजय पाने के लिए तुमको जो परीक्षा आएंगी, विघ्न आएंगे, अब विघ्न में कायर तो नहीं बनना, पीठ नहीं मोड़नी और डरना भी नहीं है, विजय पानी है। इसलिए बाबा उनको एक शूरवीर का टाइटल दे रहे हैं और फिर काली माँ का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि काली माँ की तरह तुमको बाबा जग भारत माताएं बनाता है, भारत माताओं की जय गाई जाती है ना, लेकिन उस वक्त तुमने काली रूप धारण करना है, शीतला रूप परीक्षाओं में धारण नहीं करना। कोई फौज में जाए और हथियार छोड़ के खड़ा हो जाए और कहे कि शांति चाहिए, तो बाबा कहते हैं नहीं, शीतला रूप भी है लेकिन किस किस परिस्थिति में शीतला रूप धारण करना है, किस प्रति परिस्थिति में काली रूप धारण करना है। जैसे बाबा बताते हैं कि अपने परिवार में सामना नहीं करना है, अपने परिवार में सहन करना है और दुनिया का सामना करना है। कई उल्टा शुरू कर देते हैं कि दुनिया के अंदर तो सहन करना शुरू कर देते हैं और अपने परिवार वालों को आँख दिखाना शुरू कर देते हैं। उसी को बाबा बता रहे हैं कि काली रूप से ही तुम फेस करोगे प्रॉब्लम्स को, विजय पाओगे, उसका श्रृंगार करोगे। लेकिन शीतला रूप जो है वो सृजन के लिए होता है, तो दोनों रूप धारण करने। बाबा ने कहा शीतला भी किस रूप में बनना है वो अर्थ भी तो समझती हो, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, तो काली रूप चाहिए। काली रूप होंगी तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेंगे। हाँ, काली के ऊपर बलि चढ़ते हैं, काली थोड़ी बलि चढ़ती है। लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएंगे। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना, लेकिन उसको अपने ऊपर अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो, उन पर ही सभी को बलि चढ़ाना है। यानी जैसे आप परमात्मा के आगे अर्पित समर्पित हुए हो, उनको भी जो सेवा में जाते उनको भी बलि चढ़ाना है, बलि चढ़ना नहीं है। बलि का अर्थ बाबा बलिहार भी बताते हैं, बलिहार जाना, मैंने उसके ऊपर निछावर होना। तो बाबा कहते हैं काली जो है उसके ऊपर लोग बलि चढ़ाते हैं, काली तो किसी पर बलि नहीं चढ़ती। तो काली रूप धारण करोगे तो तुम्हें निछावर करवाना है और उनको भी अपने पिता के आगे निछावर कराना है, ना कि तुमने किसी पर निछावर होना है। ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं को हल कर सके। हाँ। बहुत कड़ा रूप चाहिए, माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस न रख सके। जब कुमारियां काली रूप बन जाएं, तब सर्विस की सफलता हो। तो इन सभी को कालीपन का लक्षण सुनाना। हाँ, बाबा टीचर्स को कह रहे हैं सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके। इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है। जैसे एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं, वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो, दूसरी तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो, विनाश भी और स्थापना भी, नगाड़े भी और नजारे भी, तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगे। यानी बाबा कहते हैं कि दो बातें हैं, एक सृजन का रूप है, एक श्रृंगार का रूप है। तो बुराई का, आसुरी संस्कारों का, उसका श्रृंगार करना है काली के रूप में, साथ साथ सृजन भी करना है। कि आने किस लिए हम ये सब कर रहे हैं कि इन सब से जब हम भस्म कर देंगे इन खराबियों को, तो हम देवी देवता रूप धारण करेंगे और आने वाली नई दुनिया के नज़ारे भी सामने रखने हैं। ब्रह्मा बाबा को भी तो दो साक्षात्कार हुए थे ना, पहले तो विनाश का साक्षात्कार हुआ, सब कुछ जैसे कि नस्त व्यस्त हो रहा है, उसके बाद बाबा को स्थापना का
स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ कि सितारे आते थे, धरती से टकराते थे, कोई सज्जू की राजकुमार बन जाता था, कोई राजकुमारी बन जाता था। तो दोनों सीन सामने रखने अपनी आँखों के। और जैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति भी बाबा ने कहा, बाबा ने जनरली हमको लक्ष्य दिया हुआ है कि एक आँख में मुक्ति रखो, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति रखो। मुक्ति किससे? दुखों से, बुराई से, उलझनों से, कमजोरियों से। और जीवन मुक्ति किससे? इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे तो आपका जीवन सुखी और समृद्ध हो जाएगा। बाबा ने कहा, जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया वह इस ग्रुप को करके दिखाना है। बाबा हर ग्रुप को एनकरेज करते हैं। नहीं, बाबा जो कमांडर इन चीफ जैसे आर्मी के होते हैं, स्पिरिचुअल आर्मी के, तो जो टुकड़ी उनके सामने आ रही है, जो रेजिमेंट आ रही है, उसी को विशेषता बता के उसको टाइटल भी दे रहे हैं, उसको उसका कर्तव्य भी बता रहे हैं और कर्तव्य करने के टूल्स भी बता रहे हैं। तो अलग अलग होते हैं ना, दुनिया के अंदर भी एयर फोर्स होती है, आर्मी होती है, नेवी होती है, उनके भी अपने अपने कार्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं। कोई आगे फौज में लड़ने वाला होता है, कोई सप्लाई करने वाला होता है। इस प्रकार से बाबा जैसी टुकड़ी, ये तो नए रिक्रूट हैं, अभी 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 भर्ती हुए हैं, तो बाबा उनको ओरिजिनली फर्स्ट प्रिलिमिनरी उनको मुलाकात कर रहे हैं, फिर उनको हवाले कर रहे हैं ट्रेनर्स के कि जब तुम इनको ट्रेनिंग दोगे तो ये बातें इनको सिखानी है। उनको भी समझा रहे हैं कि तुमको ये सीखना है। बाबा ने कहा, कमाल करके दिखाना है, सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्नेही सहयोगी जब भी बन सकेंगे और विघ्नों को समाप्त करेंगे। कहां भी स्नेह व सहयोग देने में कमी नहीं करना। सबसे बड़ी जो दुनिया के अंदर भी आज उलझन है, अड़चन है, जिस कारण से सब कुछ होते हुए भी ये सृष्टि नरक तुल्य है, वो क्या है? क्या आज साधनों की कमी है? नहीं, बहुत ही रिफाइंड साधन अवेलेबल है, हर चीज़ डेवलप्ड है। लेकिन कारण क्या है कि स्नेह और सहयोग को रोक लेते हैं। मैं इसको क्यों सहयोग दूँ? सहयोग की बजाय उसके कंपटीशन शुरू कर देते हैं, अपने घर में भी शुरू कर देते हैं, फिर यहाँ तक होता है अपने ही मन बुद्धि में कंपटीशन हो जाता है। बुद्धि कहती ऐसे कर, मन कहता है ऐसे कर। अगर मन बुद्धि का भी आपस में तालमेल हो जाए तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेही और सहयोग कभी रोकना नहीं है, सप्लाई कभी नहीं रोकनी है, और जो रुकने के कारण है उनको हटाना है। जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। स्नेह और सहयोग जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। तो जो आपका शक्ति रूप बाबा कहता है और दूसरी दुनिया के लोगों में शक्ति नहीं है, उसका कारण यही है कि स्नेह और सहयोग से संगठन बनता है और संगठन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना, जो आपके जड़ चित्रों का गायन है, देवियां एक नजर से असुरों का संहार कर देती हैं। नजर पड़ते भस्म हो जाते थे, वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का संहार करने वाली संहारकारी मूरत बनना है। यानी बाबा कहते हैं स्नेह सहयोग हो, शक्ति रूप हो, तो शक्ति रूप जो है वो आसुरी संस्कारों का संहार, चाहे व्यक्तिगत जीवन के विघ्न हो, चाहे सामूहिक तौर पे विघ्न हो, वो विघ्न कमजोरी को ही तो कहते हैं। और कमजोरी क्या है? आसुरी संस्कार, उल्टे संस्कार, माया के संस्कार, मोटे रूप से जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं। तो जितना ऐसी शक्ति होगी कि सामने बहुत बड़ा जंगल आ गया, बहुत बड़ी अड़चन आ गई, तो आपने एक दृष्टि दी, वो जंगल भस्म हो गया, बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, उड़ गया। जैसे सड़क भी बनाते हैं तो रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो डायनामाइट से पहाड़ उड़ा देते हैं, रास्ते में कोई नदी आ जाती है उस पर पुल बांध देते हैं। इसी प्रकार के इस यात्रा के अंदर
मेन चीज़ तो ये है कि रास्ते की रुकावटों को हटाने की शक्ति होनी चाहिए। अब रुकावट कितनी देर में हटाएं, नॉर्मली सिविलियन गवर्नमेंट या पुल वगैरह बनाती कई साल लगा देती है। अगर मिलिट्री वालों ने मार्च करना होता है तो उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो पुल भी एक दिन में बना देते हैं, और इसी प्रकार से कोई रास्ते में रुकावट है उसको फटाफट उड़ा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये स्पिरिचुअल टूल्स हैं कि आपको संहारी रूप इतना पावरफुल बनना है कि जैसे वो मान लो एक एटम बम फेंके सब भस्म हो जाता है, आपकी एक दृष्टि से असुर का मतलब शास्त्रों में असुर लिख दिया है, किसी के भी आसुरी संस्कार चाहे वो अपने हो चाहे दूसरों के हो उसको भस्म करना। बाबा कहते हैं अब ये देखना है कि जहाँ संहार करने वहाँ रचना नहीं रच लेना, जहाँ रचना रचनी है वहाँ संहार नहीं कर लेना, जहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है वहाँ मास्टर शंकर नहीं बनना। ये बुद्धि में ज्ञान चाहिए, कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने बदली विनाश कर देते तो भी रॉन्ग, और अगर विनाश के बदली रचना रच लेते तो भी रॉन्ग। अब जैसे आप संस्कारों को ले लो, हर आत्मा के अंदर जब वो ज्ञान धारण करती है तो उसके अंदर नेचुरली एक उमंग आता है कि मैं अच्छे संस्कारों को धारण करूं और उनको बढ़ाऊं, अर्थात अच्छे संस्कारों की रचना करना और उनकी पालना करना, और जो खराब संस्कार हैं उनको मैं समाप्त करूं। दोनों शक्तियां अपने अंदर हैं, लेकिन अगर कोई आत्मा अच्छे को ही भस्म कर दे और ख़राब को बढ़ाना शुरू कर दे तो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। तो बाबा कहते जहाँ मास्टर शंकर बनना है वहाँ ब्रह्मा नहीं बनो, जहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है वहाँ मास्टर शंकर, यानी जहाँ काली बनना है वहाँ शीतला नहीं बनो, जहाँ शीतला बनना है वहाँ काली नहीं बनो। शास्त्रों में जो सीता जी का एग्जाम्पल आता है कि सीता जी के आगे लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, लेकिन उन्होंने शीतला बन के लक्ष्मण रेखा रहम को करा, यानी रहम कर लिया, शक्ति रूप धारण नहीं किया, उस असुर को नहीं पहचाना, असुर साधु के रूप में आया था, तो क्या हुआ फिर उसके चंबे में फंस गई, और फिर राम को उनको निकालने में कितना टाइम लगा। बाबा कहते हैं देखो कहानी सुनी है ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टिंडन पैदा हुआ। तो यहाँ भी अगर संहार के बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कर्तव्य की आवश्यकता है उस समय वो कर्तव्य करना, समय चला गया तो फिर संपूर्ण बन नहीं सकेंगे। अब देखिए इसमें बाबा ने कुछ शास्त्रों में कहानी आती है शंकर जी ने के बिच्छू टिंडन पैदा हो गए। अब बाबा कहता है ये अगर आप अपने संकल्पों पर भी लगाएं, ऐसे संकल्प रच दो जो आपको ही परेशान करें और आपको भी काटें दूसरों को भी काटें दूसरों को भी दुख दें और अपने को भी, जैसे अभिमान है फॉर इंस्टेंस या क्रोध है, तो बाबा कहता है ऐसी रचना नहीं करना। इसी प्रकार से फिर बाबा ने कहा जिस समय जो कार्य करना वो करना, अर्थात जहाँ स्थापना का कार्य करना रचना का वहाँ रचना, और जहाँ सिंगार का वहाँ सिंगार करना, उल्टा नहीं कर देना, नहीं तो फिर वही रचना खाने आपको को तंग करेगी, आपका समय भी वेस्ट करेगी। फिर बाबा कहता है अगर समय निकल गया उसको पहले बिगाड़ो फिर उसको सुधारो, तो फिर आप संपूर्णता की जो ट्रेन है उसको पकड़ नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा है समय चला गया तो फिर संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इस ग्रुप को बहुत जल्दी जल्दी एग्रीमेंट बाद एंगेजमेंट करना, सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना, ये एंगेजमेंट होती है। फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई तो तीसरा समारोह है संपूर्ण संपन्न बनने का। तीनों समारोह जल्दी कर दिखाना है। छोटे जास्ती तेज जा सकते हैं। बाबा ने कहा ये चीज़ थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे। एग्रीमेंट अर्थात यहाँ पे जीवन का फैसला कर रहे हैं कि हमको यही लाइफ अपनानी है,
और फिर सेवा केंद्रों पर जाकर के सेवा में उपस्थित होना, एंगेजमेंट, उसको बाबा कहते हैं एंगेजमेंट होना, फिर आकर के उसके बाद जो है संपन्नता सेवा की सफलता सर्टिफिकेट लेना। ऐसा है दुनिया के अंदर भी, पहले कोई व्यक्ति पढ़ाई पढ़ता है, पढ़ाई पढ़ने के बाद जो भी उसको क्वालिफिकेशन मिलती है उसके अनुसार वो कोई जॉब करता है, फिर जॉब में जो कुछ उसको प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है, उसके आधार पर उसको उसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो बाबा इसीलिए बता रहे हैं कि पहले एग्रीमेंट मैंने, अब आप तैयार हो, अब आप सेवा में कुछ फौज मार्च करने के लिए रेडी है, उसके लिए बाबा कंडीशन सुना रहे हैं। उसके बाद जब आप एंगेज हो जाओगे, जैसे कहते हैं युद्ध में कोई एंगेज हो गया या किसी जॉब में कोई एंगेज हो गया, जब एंगेज हो जाओगे उसके बाद आपकी सफलता का पता लगेगा, और जितनी जितनी सफलता प्राप्त करोगे उतना उतना आपको शील्ड या मेडल मिलेगा, अर्थात उन्हीं अपने अपने अनुसार आप अपने संपन्न संपूर्ण स्टेज को पाओगे। उसको फिर बाबा कहते तीसरा समारोह होगा, है ना, पहले सेरेमनी अलग अलग होती है ना, एंगेजमेंट सेरेमनी अलग होती है, मैरिज सेरेमनी अलग होती है, और एंगेजमेंट से पहले एग्रीमेंट होता है कि भाई हम ऐसे रिश्ता करें, तो बाबा के संबंध जोड़ें, तो बाबा कहता है कि तुमने हिम्मत रखी है, अब तुम ईश्वरी सेना में भर्ती हुए हो, तो स्टेप्स बता रहे हैं। हिम्मत के साथ उल्लास भी रखना है, कभी हार नहीं खाना, लेकिन अपने को हार बनाकर गले में पिरोना है। अगर गले में पिरोए जाएंगे तो फिर कभी हार नहीं खाएंगे। जब हार खाने का मौका आए तो याद रखना कि हार खाने वाले नहीं है, लेकिन बाप दादा के गले का हार है। वो हार खिलाकर आसुरी संस्कारों को भगवान के गले का हार बनते हैं। तो हार में तो हीरे ही होते हैं कि नहीं, तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को मैं हीरा या हीरो एक्टर बनाता हूँ, फ्लॉलेस हीरा यानी चैतन्य आत्मा चमकती हुई बनाता हूँ, जिसके अंदर किसी प्रकार का फ्लो ना हो। और बाबा उसको कहते हैं सूक्ष्म रूप में फीलिंग ना हो, किसी चीज़ से प्रभावित ना हो, वो फिर आत्माएं विजयी हो करके बाबा के गले का, एक बारी हार बन गए तो फिर तो हार खाने का सवाल ही नहीं। इसमें दो विशेषताएं जो बाबा ने बताई हैं धारणा की, एक हिम्मत और दूसरा उल्लास। उल्लास उत्साह को कहते हैं। हाँ जी, निरंतर, यानी उत्साह मैंने लगातार स्फूर्ति रहे, स्पिरिट रहे, लगातार उसका जोश रहे, ताकि वो जो हिम्मत है वो कार्यान्वित हो। कई लोग हिम्मत तो रख लेते हैं लेकिन जब तक एंगेज ही नहीं होंगे, किसी सिचुएशन में नहीं आएंगे, या हिम्मत हार देते हैं। अगर उत्साह नहीं होता तो हिम्मत हार देते हैं, हिम्मत है लेकिन सामने कोई परिस्थिति आ गई, दो चार बारी हार खा लिया तो हिम्मत ही हार के छोड़ के चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हिम्मत और उत्साह दोनों साथ साथ चाहिए। यह ना, मान लो आपके पास बहुत पावरफुल बिजली का कनेक्शन है, अब उस बिजली के कनेक्शन को आप यूज़ भी तो करेंगे ना, तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा है। हिम्मत रख के कोई घर में बैठ जाए, MA की डिग्री लेकर अनएम्प्लॉयड बैठा रहे, उससे क्या होगा, जो काम में लाएगा तो उसको उत्साह फिर बढ़ता जाता है, और उत्साह के कम होने का कारण होता है आलस्य आ जाए, और आलस्य क्यों आता है, हारने से। अगर कोई व्यक्ति बार बार हारता है तो निराश हो जाता है, फिर वो ढीला हो जाता है, अपने में विश्वास टूट जाता है। हाँ, वो फिर यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है, फिर वो उत्साह उसमें उल्लास घट जाता है। बाबा सोडा वाटर का भी एग्जांपल देता है कि नहीं, कि जब किसी को ज्ञान सुनाया जाता है उसमें कितनी खुशी उमंग आता है, फिर जब वो बाहर जाता है परिस्थिति में तो सोडा वाटर का जैसे गैस निकल जाए तो उसका उत्साह उल्लास ख़त्म हो जाता है। छोटे छोटे कोमल पत्ते जो होते हैं उनको चिड़िया भी बहुत खाती हैं। हाँ, क्योंकि कोमल होते हैं तो खाने में मज़ा आता है, इसलिए संभाल रखनी है। जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया
तो और कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है, क्योंकि लुभाएगी ना माया। रावण ने देखो कितनी युक्ति से सीता को लुभाया, पहले भिक्षा मांगने के लिए रूप रचा, फिर उसको यहाँ तक लुभा लिया कि अपनी रेखा से बाहर आ जाओ। उससे भी पूर्व सोने का हिरण, पहले सोने का हिरण भेजा कि वो उससे लुभायमान होगी, ताकि उसको जो डिफेंस सिस्टम था जिसने उसका बचाव करना था वो टूट गया, उसने उस तरफ लगा दिया। फिर भी उसके लिए पर्सनल जो मर्यादा की रेखा रखी गई थी कि इसके अंदर रहोगे तो तुम सेफ रहोगे, उसको भी उसने क्रॉस करवा दिया। तो ये सारी कथा का भावार्थ यही है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोमल नहीं बनना। बाबा ने कहा आप जब समर्पित हो गए, जिसके समर्पित हो गए उसने जो कुछ नियम आपको बताए हैं उसके अंदर रहना, अपने ऊपर बलि चढ़वाना है, अपने का अर्थ है अपने पिता के ऊपर बलि चढ़ाना है जिस पर आप स्वयं बलि चढ़े हैं, ना कि किसी के ऊपर बलि चढ़ना है। अगर आप किसी के ऊपर बलि चढ़ गए तो सब कुछ गया आपका। ये बाबा ने कहा ना, इतना कोमल ना बन जाओ जो कि चिड़िया खा जाए, जैसे फौजी ही खत्म हो गया वो। जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया तो कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है। संकल्प बहुत धोखा देता है। जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, काला टीका लगा देते हैं। इसलिए ग्रुप को भी टीका लगाना है जो कोई की भी नजर ना लग सके। अब काले टीके का अगर आप गहरा अर्थ लें तो ये काली माँ का सिंबल है। ये बाबा ने कहा ना कि तुमको जितनी प्रेशियस चीज़ है उतना उसको बचा के रखना पड़ता है। भारत के अंदर तो ये भी रस्म है, कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं उसके अंदर भी कोई मटकी वगैरह को काला चेहरा बना के जीभ निकाल के काली का रूप टांग देते हैं ताकि इसको नज़र ना लग जाए। नज़र नई चीज़ को ही लगती है। आपने कभी किसी पुरानी बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ ये देखा नहीं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं जो कोमल होते हैं, छोटे बच्चे को भी, बहुत सुंदर बच्चा हो, लोग आके कहें तो बड़ा खूबसूरत है, तो माँ उसको काला टीका लगा देती है किसी की नज़र ना लगे। तो बाबा ने काले टीके का अर्थ बताया है कि काली रूप को धारण करके रखना, जितनी ज़्यादा वैल्यूएबल उतना बड़ा लॉकर, उतना बड़ा सेफ, और उसकी फिर डबल लॉक चाबियाँ। तिलक का अर्थ तो समझते हो, जैसे तिलक मस्तक में टिक जाता है वैसे जो भी बातें निकली वो सभी सदैव स्थिति में स्थित रहे। अब देखिए बाबा के इस सेंटेंस को सुनकर मुझे ये ख्याल आया कि आज तक कभी नहीं आया कि टीका का मतलब है टिकना, टिकना है ना, टीका मिटना। ये नई बात लगी। देखिए कि शब्द के अंदर भी कोई अर्थ है, आप पता लगता है कि हम टीका शब्द तो कहते हैं लेकिन टीका का अर्थ है वो टिका रहे, स्मृति सदा रहे, स्थित हो जाए। बाबा कहते सभी बातें स्थित हो जाए तब राज तिलक मिलेगा। स्थिति कौन सी चाहिए वो तो समझते हो ना। इस ग्रुप को ये स्लोगन याद रखना है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, असफलता नहीं। शूरवीर तो सफलता ही पाएगा ना, जब टाइटल ही शूरवीर का मिल गया। सफलता का ही श्रृंगार करना है, नैनों में भी, मुख से भी, मस्तक से भी सफलता का स्वरूप देखने में आए। संकल्प भी सफलता का, और दूसरे जो भी कार्य हो उसमें सफलता हो, सफलता ही जन्म सिद्ध अधिकार हो, ये है इस ग्रुप का स्लोगन। अब देखिए कोई सफल व्यक्ति होता है और कोई बेचारा हारा हुआ व्यक्ति होता है। अब मान लो कॉलेज का रिजल्ट निकला, स्टूडेंट्स निकल रहे हैं बाहर, तो आप क्या उसका चेहरा देख के समझ जाओगे ये कोई स्कॉलरशिप लेके आया है, ये कुछ पास हुआ है, ये कोई नॉर्मल सा हुआ है, और ये तो उदास आ रहा है, तो पता लग जाएगा ना ये फेल हुआ है, ये साधारण पास हुआ, और ये बहुत पास हुआ है, तो चेहरे से ही पता लगता है ना। तब बाबा कहते हैं जो सफल किसी भी फील्ड में होता है उसके चेहरे से, उसके बोल से, उसके नैन चैन से पता लगता है कि सफलता पा रहा है, ये सफल है। सफलता ही जन्म सिद्ध अधिकार हो, यह इस ग्रुप का स्लोगन। भट्टी में पढ़ने से सभी कुछ बदल जाता है, सबसे छोटी और ही शो करती है। ये पूनम बहन जो जयपुर की है वो बैठी बाबा के, जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती
वो और ही उम्मीदवार हो दिखलाते हैं, ये कमाल कर दिखाएगी। बाल भवन का एक ही यादगार है, बाबा ने पहले बाल भवन कानपुर में बनवाया था ना, हाँ जी, जिसके अंदर बच्चों को रखा था, जो माता पिता ज्ञान में आते थे वो बच्चे इकट्ठे होकर रहें और ये ज्ञान की शिक्षा लें। उसमें से ये एक ऐसी कन्या थी जो कि आगे बढ़ी, ये सबसे छोटी थी और छोटी थी और फिर ट्रेनिंग में आ गई, तो बाबा कहते उस सबसे छोटे को तो किसी को उम्मीद ही नहीं होती, लेकिन वही फिर ऐसा कमाल करके भी दिखा सकता। अब जैसे बाबा कहता है ये छोटी बच्ची कमाल करके दिखाएगी, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है तो सफलता मूर्त बन के दिखाएगी, सबके लिए बाबा कह रहा है। अगर आप सफल शब्द को भी देखें, इसका अर्थ होता है सफल, एक होता है निष्फल और एक है सफल। तो अगर कोई संकल्प है और वो संकल्प वेस्ट गया तो उसको कहेंगे निष्फल, और वो संकल्प विजय प्राप्त करके आया, जी कुछ उससे फल निकला तो उसको कहेंगे सफल। तो बाबा कहते हैं आपका हर संकल्प जो है वो फल लाए, तो इसको कहा जाता है सफलता, और हर बात में सफलता हो। अपने को सदैव शोकेस में रखना है, अगर एक छोटी ने कमाल की तो इस सारे ग्रुप का नाम बाला हो जाएगा। अब जो स्लोगन बताया वो करके दिखाना है, छोटों को बड़ा कर्तव्य कर दिखाना है, इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना, कोई भी कारण आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। अब बाबा ने ये जो कहा छोटी ने कमाल की तो सारे ग्रुप का नाम होगा। हम कई बार देखते हैं एक नृत्य का ग्रुप आता है, स्टेज के ऊपर डांस कर रहे होते हैं, उसमें एक छोटी सी कन्या भी होती है, वो भी डांस कर रही होती, उसका अगर डांस इतने कमाल का होता है तो सबका फोकस जो है सारे ग्रुप से हटकर उस पर चले जाता है, और उसकी परफॉर्मेंस को देखकर सारे ग्रुप को ही सफल गिना जाता है, यानी उसका कारण बन जाती है। सच्चा पक्का वायदा है ना, जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इस रीति ये भी जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर उनको जल कौन सा देना है, प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संग भी चाहिए, साथ साथ अपनी हिम्मत भी। संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगे। ऐसा पक्का ठप्पा लगाना जो सिवाय वाया परम धाम वैकुंठ और कहाँ ना चली जाए। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है तो उसको कोई खोल नहीं सकता, किसी लिफाफे पे वो मोहर पहले वक्त में तो लाख की सील लगा के उसके ऊपर ठप्पा लगा देते थे, सील टूटने का लाख टूट जाए तो सील टूटी गिना जाता था। इसलिए बाबा कहता है बाबा भी फिर उनको पक्का ठप्पा लगा के भेजेगा। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है उसको कोई खोल नहीं सकता, वैसे ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील हर एक को लगाना है। इस ग्रुप से कोई भी कमजोर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे, समझा। अब देखिए बाबा सील कौन सी लगाता है कि बाबा उसको ब्रह्मा कुमारी का टाइटल दे देता है। ब्रह्मा कुमारी की सील लगी हुई अर्थ क्या है कि ब्रह्मा बाबा की संतान, सिक्के बंद जिसको कहा जाता है कि नहीं, उसके वो फिर कमाल करके दिखाती है। ये थी बाबा की आज 28 मई 1970 की मुरली, जिसमें बाबा ने हाई जंप लगाने के लिए हल्का बनने का संदेश दिया कि बच्चे अंदर भी हल्के रहो बाहर भी हल्के रहो, और अर्पण हो गए बलि चढ़ गए तो उसके बाद किसी पर भी बलि नहीं चढ़ना है, औरों को बलि चढ़ाना है, बाप पर स्वयं पर भी बलि नहीं चढ़ाना है परंतु बाप पर बलि चढ़ाना है। इसके लिए हिम्मत और उत्साह को सदा बना के रखें। हिम्मत और उत्साह होगा, उल्लास होगा तो सफलता जो है वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार स्मृति में रहेगा। और जो बाबा ने आज टीका दिया और इतना अच्छा अर्थ बताया, टिक जाओ, इसी बात में जो बाबा ने स्थिति बताई हमारी उसमें सदा टिके रहना है। ओम शांति।